हेलो फ्रेंड्स, अल्पना मौसमी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है यमी चीजी मैगी मसाला, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। खासकर बच्चों का यह फेवरेट डिश है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो मैंने गैस पर चढ़ा दिया है एक पैन, और पैन जैसे ही गर्म हो जाए इसमें डालने हैं हमें 1 चम्मच के करीब तेल और आधे चम्मच बटर। यहाँ पे लिया है मैंने कुछ वेजी, जिसमें लिया है मैंने कैप्सिकम, प्याज और हरी मिर्च। इन्हें हमें सौते करना है। मैंने फ्लेम को हाई रखा है। आप चाहे तो इसमें और भी कुछ वेजी डाल सकते हैं, जैसे गाजर, पत्ता गोभी या फिर बीन्स। तो इसे हम सौते कर लेंगे। तो ये मैंने लिया है आधे चम्मच ग्रीन चिली सॉस, टमाटो केचप 1 चम्मच और आधे चम्मच सोया सॉस। तो इसमें मैं थोड़ा सा चाइनीज फ्लेवर डाल रही हूँ। तो इसे हम हाई फ्लेम पे सौते कर लेंगे। ये लिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच। तो ये हमारा सब्जी अच्छे से भुन गया है, और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है ये, तो इसे हमें ऐसा ही पकाना है। अब इसमें डाल देते हैं 1.5 कप के करीब पानी, और एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब मैगी डालते हैं। तो ये मैंने एक मीडियम साइज का मैगी लिया है, और इसमें हमें डाल देने हैं टेस्ट मेकर। अब हमें मैगी को सॉफ्ट होने तक पकाने हैं। आप चाहे तो मैगी को तोड़ कर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैगी धीरे धीरे जो है सॉफ्ट होने लगा है और एक दूसरे से अलग हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी चीज। चीज डालने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये मैंने स्लाइस चीज लिया है, एक ही चीज़ लिया है मैंने, और इसे इस तरह से 4 भागों में बांट लिया है, काट लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चीज़ जो है मेल्ट हो गया है, और मैगी भी हमारा थोड़ा थोड़ा कुक हो गया है, बहुत ज़्यादा भी कुक नहीं हुआ है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं, अगर आपका मैगी कुक नहीं हुआ हो तो। तो ये हमारा मैगी कुक हो गया है, और इसमें थोड़ा सा आप ग्रेवी देख सकते हैं, काफ़ी क्रीमी हो गया है ये। तो इसे हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। तो ये हमारा मैगी बनकर तैयार हो गया है, और आप देख सकते हैं एक दूसरे से चिपक नहीं रहा है, अलग है। तो इसे मैंने सर्व कर लिया है, और इसे हम गार्निश कर देंगे टमाटो केचप से, जिससे देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा क्रीमी चीजी मैगी मसाला बनकर तैयार हो गया है, और आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यमी टेस्टी मैगी मसाला बना है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।